नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं साक्षी गुप्ता, आइए आपको ले चलते हैं देश विदेश की तमाम 25 खबरों पर। कुशीनगर के नरंगिया गांव में हुए कुएं हादसे में मां समेत 5 को बचाया, 6 को बचाने में डूबी बहादुर बेटी। सेना में सिलेक्शन की कर रही थी तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबोहर में रैली को संबोधित करते हुए चंडी के बयान पर कहा, कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती है। प्रियंका गांधी के तालियां बजाने से पूरे देश का अपमान हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णा के मुंबई स्थित घर पर आईटी का छापा, आरोप हिमाचल के योगी से कारोबार की गोपनीयता जानकारी साझी। बंगाल गवर्नर धनखड़ ने ट्वीट पर लेटर पोस्ट कर ममता से चर्चा की पेशकश की, बंगाल सीएम ममता ने कर दिया था ब्लॉक। बीजेपी में जाने की चर्चा पर बोले मनीष तिवारी, हम कांग्रेस के किराएदार नहीं हिस्सेदार हैं, कोई जबरदस्ती धक्का देकर निकाले तो अलग बात है। कर्नाटक हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट में छात्राओं की अपील, शुक्रवार और रमजान में हिजाब पहनने की छूट दे, 8 में से 1 याचिका हुई खारिज। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की चुनावी एंट्री, चुनावों के बीच पहला वीडियो जारी किया, कहा मैंने बोला कम काम ज्यादा किया, मोदी सरकार का राष्ट्रवाद नकली है। अब कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा कॉर्न, ब्रिटेन में सामने आ रहे रोजाना मामले, इससे पहले लैब में हुई एक तकनीकी गलती बताया गया। शेयर बाजार में सेंसेक्स 104 पॉइंट्स गिरकर 57,892 पर बंद हुआ, बैंकिंग स्टॉक में रही ज्यादा गिरावट। पंजाब कांग्रेस प्रधान का प्रचार करने पहुंचे सीएम, चन्नी पर की गई फूलों की वर्षा, सिद्धू का हाथ थामकर पार्टी के हक में वोट डालने की लोगों से की अपील। फरीदाकोट में चुनाव प्रसार में धक्का मुक्की में गिरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नाराज हुए और नहीं पहना हार, पहली बार फरीदाकोट में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। लखनऊ में भाजपा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, करहल में अखिलेश ने हार के डर से पिता मुलायम को प्रचार के लिए उतारा। बिहार यूपी के लोगों को अपमानित करने का आरोप भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष कुमार ने पटना के कदम कुआं थाने में दर्ज करवाई शिकायत। मध्य प्रदेश में हिजाब पर बोली साध्वी प्रज्ञा, हिंदुओं के घर में स्त्रियों की पूजा होती है, जिनके घरों में बहनों का नाता नहीं उन्हें घर में हिजाब पहनना चाहिए। मध्य प्रदेश के सांसद विवेक तनखा की सिंधिया से मांग, कहा यूके में फंसे स्टूडेंट को फ्री में टिकट दे, सिंधिया का जवाब वे मामले को जरूर दे। मध्य प्रदेश में लागू नाइट कर्फ्यू को हटाने को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बयान, कहा केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी, सभी पाबंदियों को हटा दिया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा सीएम शिवराज का नारा है गांव गांव में शराब, फिर मध्य प्रदेश में शराबबंदी कैसे हो सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की पुलिस को हिदायत के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, बार बार ये मत कहो कि हमारा राज आएगा, आपका राज आया था तो क्या करेगा। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में तैयार हो रहा प्रदेश का पहला मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट, रोज बनेगी 150 टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन। मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम में पहले दिन 12वीं का इंग्लिश पेपर, सीहोर में एक रोल नंबर पर एग्जाम देने पहुंचे 2 स्टूडेंट, गुना में जेल से पेपर देने पहुंची हुई। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 156 पदों पर निकाली भर्ती, कैंडिडेट्स 25 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। अमृतसर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सीएम चन्नी पर हमला, बोले गुरु नानक देव की शिक्षा को भूले, यूपी की बेटी प्रियंका के सामने प्रवासियों को बेइज्जत किया। चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस ने जलाया दिल्ली सीएम का पुतला, खालिस्तानी वाले कथित बयान के खिलाफ नारेबाजी की युवा कांग्रेस बोली, केजरीवाल शर्म करो डूब मर। कुशीनगर में कुएं में गिरने से 13 की मौत, मृतकों में 9 बच्चियां, कुएं पर हल्दी रस्म के लिए गई थी, स्लैब टूटा तो पानी में गिरकर जान। उत्तर कोरियाई शासक के हिटलर शाही पिता किम जोंग इल की जयंती पर हजारों लोगों को -15 डिग्री तापमान में खड़ा रखा, कलाकारों को पानी में उतार दिया। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।